आज मैं चटपटा मसाले में ये हरी चटनी खाने वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, बना रही हूँ। और वो ये चटनी जो है ये आप दही में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने में रोटी जैसे पराठा उसके साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स ये हैं, यानी कि ये पुदीना 2 गड्डी, एक गड्डी पूरी बड़ी वाली ये हरा धनिया है बड़ी वाली गड्डी, ये आध पाव मिर्चें समझ लो हरी, 4-5 ये है लाल मिर्चें और सूखी लाल मिर्चें, ये 7-8 ये छोटी गोल लाल मिर्चें, और 3 चम्मच ये 2 टेबल स्पून इसके नमक के, 2 टीस्पून ये सूखा ये जीरा, 2 टीस्पून ये भर के सूखा धनिया और 1 गड्डी पूरी लहसुन की। और ये इंग्रेडिएंट्स है। और ये 1 कप पानी है, 1/4 कप, और थोड़ा सा ऑयल डलेगा, नहीं सिरका डलेगा, ऑयल नहीं डलेगा सिरका डलेगा। अभी मैं इसे करने लगी हूँ। देखिए मैं ये लहसुन डाल रही हूँ, लहसुन पहले डालना है, फिर ये मिर्चें हरी, ये लाल मिर्चें, फिर ये सूखी लाल मिर्चें, फिर ये जीरा, फिर ये नमक, फिर ये सूखा धनिया, ये सब ये हो गई। ये धनिया है और ये पुदीना है, ठीक है। अब मैं पानी जाके थोड़ा सा ग्राइंड करती हूँ। अब थोड़ा सा सिरका डालूंगी, 1/2 कप, इससे चटनी खराब नहीं होगी। ये चटनी तैयार हो गई है और आप इसको उसमें दही में भी डाल के खा सकते हैं, बना सकते हैं और उसके पराठों में साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़ा आई। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़ लाने के बाद।